आज मैं आप लोगों को मेजर ध्यानचंद की बायोग्राफी बताऊंगा। मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वो रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनके साथी ने इनके नाम के पीछे चंद लगा दी। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्रह्मांड रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन वे भारतीय सेना में मेजर के पद तक गए। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। इस शक के साथ कहीं स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि जादू स्टिक में नहीं ध्यानचंद के हाथों में थी। डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में एक हॉकी मैच देखने के बाद कहा था, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनता है। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल के छोटे थे। अपने अपने खेल में माहिर ये दोनों हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले थे। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया था, इससे मेजर का एक दांत टूट गया था। जब बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी खेल रही थी तो हिटलर भी इस मैच को देख रहा था। हिटलर इस मैच को देखकर मेजर ध्यानचंद से बहुत प्रभावित हुआ और मेजर साहब को मिलने के लिए बुलाया। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद ने वर्ष 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वो पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, वो वाकई में कम थी। मेजर से जब आखिरी पलों में डॉक्टर ने पूछा कि भारतीय हॉकी का भविष्य क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, भारत में हॉकी खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो कोमा में चले गए और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।